ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कुछ नहीं मेरी जान, अब तो मोती ब्रदरन भी यहाँ पर नहीं है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा अब? शयातीन को याद किया और वो पहुँच गए। ये भी रख लेता हूँ, ये भी। मैं यहाँ नहीं रह सकता, अगर ये दोनों भाई यहाँ मौजूद रहे तो मैं भूख से मर जाऊंगा। जा रहा हूँ मैं, आखिर मेरी भी कोई इज्जत नफ्स है। समझ लड़के, मेरा सांस बंद कर दिया। बाबा जान आप बोले थे। शुक्र करो कि मैं जिंदा नहीं हूँ, वरना ऐसा थप्पड़ मारता कि समझ आ जाती तुम्हें। अच्छी बात है कि आप मर गए हैं, तस्वीर में हैं। बताओ तुम सामान पैक करके कहाँ जा रहे हो? मैं ये जंगल छोड़कर कभी ना जाता, मगर मोती बरादरान से तंग आ चुका हूँ। मगर बाबा खुराक मजे की है यहाँ। वो क्यों? सब मुझसे जेलस हैं। इस छोटे से जंगल में इतना जहीन और चालाक जानवर भला किसको हजम होता है? मेरे बेटे होकर भाग रहे हो तुम? तो आप ही बताइए, इतने मुश्किल हालात में मैं कैसे गुजारा करूं? अगोड़े कहीं के भूल गए कि तुम किसकी औलाद हो? तुम इस जंगल की तारीख के सबसे जहीन चालाक और ताकतवर जानवर के बेटे हो। यानी कि मैं शेर खान का बेटा हूँ? अहमक कहीं के, तुम मेरे बेटे हो जिसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने कभी खौफ के तहत जिंदगी नहीं गुजारी, क्योंकि ये बहादुरी ही हमारी विरासत है। बाबा आपके डायलॉग बहुत अच्छे हैं, मगर मैं हर तरीका आजमा चुका हूँ, इन्होंने मेरी एक नहीं मानी। अब भी बहुत से तरीके मौजूद हैं बुद्धू। एक मशहूर चीनी कहावत है, सुतहा शितहा शु, यानी अगर तुम जंजीर नहीं तोड़ सकते तो कम से कम इतना जोर लगाओ कि उसकी कड़ियां ढीली कर दो। जंजीर की कड़ियां? हाँ अब समझा, आपका बहुत शुक्रिया बाबा। आई रियली मिस यू बाबा, काश आज आप यहाँ होते। बाबा, बाबा। अरे आराम से बेटा, मेरी पसलियाँ टूटी हुई है। माफ कर दे बाबा। अरे समनु क्या सोच रहे हो भला? स्वान तभी तबश्चरी। क्या क्या कह रहे हो? मैं एक बहुत बड़ा मुकाबला करवाना चाहता हूँ ताकि मैं उससे मालदार हो जाऊँ। मगर वो कैसे? तो मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें भी पार्टनर बना लूंगा। हाँ ठीक है, मगर कैसे? बस शर्त इतनी है कि तुम्हें हर बात माननी पड़ेगी मेरी। अच्छा भाई अब आगे भी बोलो। तुम्हें उनमें से एक को जंगल लाना होगा। मुझे जरा खुलकर बताओगे? बहुत बुद्धू हो तुम यार। अच्छा बताता हूँ। तुम तो चीते की तरह फुर्तीले हो, पर तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो भाई। पर मेरी ताकत का असल राज तुम हो मेरे प्यारे भाई। पर ये भी तो सच है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो भाई। बात सिर्फ ताकत की नहीं, तुम तो मुझसे अकल में भी कहीं ज्यादा आगे हो। तुम तो मुझसे ज्यादा जहीन और मैं तुम जैसा बनना चाहता हूँ। चलो मैं भी तुम जैसा जिद्दी हो जाता हूँ। भाई आपको तो मैं जिंदा भी नहीं हरा सकता। तुम मजाक कर रहे हो ना भाई? देखा भाई आप जीत रहे हैं। नहीं भाई मैं तो तुम्हारी जीत के आगे भी हार गया, तुम में मुझसे ज्यादा ताकत है। नहीं भाई आपकी ताकत तक कोई नहीं पहुंच सकता, मैं भी नहीं। खतरा खतरा, आखिर ये हो क्या रहा है? मैं तुम दोनों से कह रहा हूँ, कर क्या रहे हो आखिर? हम अपनी ताकतों को यज्ञ कर रहे हैं। एक खतरनाक मखलूक तुम लोगों की जानिब आ रही है और तुम जोर लगा रहे हो। क्या कहा खतरनाक मखलूक? क्या कहते हो? मैं तो कहता हूँ चल के उसका सर कुचल देते हैं। अरे तुम दोनों साथ क्यों जा रहे हो? अगर पीछे से समनु आकर मुर्गे को खा गया तो? ये ठीक कह रहा है भाई, मैं जाकर उसको मार आता हूँ। नहीं भाई मैं जाता हूँ। नहीं नहीं भाई मैं जाता हूँ। कहो ना मैं जाऊँगा भाई, मैंने फैसला कर लिया है। मैं फैसले को आसान कर देता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90, चलो तुम जाओ। चलो भाई मैं चलता हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगा, मैं वादा करता हूँ। लगता यही है, अभी मजा चकाता हूँ इसे।
भागने की जरूरत मत करना, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। फिक्र मत करो भाई, मैंने उसे पकड़ लिया। अगर तुमने हिलने की जरूरत की तो मैं 1, 2, 3 गिनकर तुम पे गोली चला दूंगा। उसे गए बहुत देर हो गई। घबराने की बात नहीं, वो बस आने ही वाला होगा। आखिरकार वो भाई किसका है? मतलब उसमें ताकत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक कहा। पर मैं तो हमेशा ये समझता था कि तुम अपने भाई से ज्यादा ताकतवर हो। क्या कहा आपने? फार्म पर मौजूद हर जानवर को लगता है कि तुम सबसे बेहतर हो। 1003, 1004, बस बहुत हो गया। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। जब तक कोई मुझ पे हमला न करे मैं नहीं कर सकता। हमला करो पहले। क्या कहा? हाँ तुम मेरे साथ हो, तुम सेवनों के साथ नहीं हो, हमारे साथ हो। कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? क्या तुम्हें मेरे भाई चाहिए? ये नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझसे मेरा भाई मांगा है, इतनी जरूरत तेरी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर कुछ लूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे। शाबाश शाबाश, कमाल कर दिया। वाह क्या ताकत है, क्या फुर्ती है, क्या तकनीक है। वाकई तुम्हें इस जंगल में कोई नहीं मार सकता, तुम वाकई लाजवाब हो। मैं समझ गया, ये तुम्हारा प्लान था ना। नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों बीच में कोई ना है, मैं समनू को मार डालूंगा। मैंने क्या किया? मैंने तो आपकी तारीफ की। आप जैसा बहादुर जानवर और कौन है भला। हाँ मगर ये मानने में मजायका नहीं है कि ताकत की बात हो तो तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा ताकतवर है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है वैसे। क्या तुम्हें लगता है मेरा भाई मुझसे ताकतवर? अरे भाई मैं तो नहीं, सब कहते हैं कि तुम अपने भाई से ज्यादा ताकतवर हो। जरा अपनी ये फौलादी बाजू को तो देखो। क्यों सच में? अरे मैं भी यही मानता हूँ कि तुम अपने भाई से ज्यादा ताकतवर हो। पर सारे जानवर कहते हैं कि वो ताकतवर है, लेकिन मैं सब पे साबित करूँगा कि असल हीरो तुम हो। क्या कहा हीरो? तुमने ठीक सुना हीरो, और वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं जब तुम्हें जंगल का सबसे ताकतवर जानवर करार दिया जाएगा। खुद पर भरोसा रखो। क्या सच में? पर इस मुकाबले के लिए तुम्हें तैयारी चाहिए। इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और एक काबिल कोच भी चाहिए। और इस मुकाबले की तैयारी के लिए तुम्हारी कोचिंग बकल्लम खुद मैं करूंगा। तुम्हें शायद इल्म नहीं होगा कि मेरे पास मार्शल आर्ट्स की बैनल अक्वामी 5 डिग्रियां हैं। मैं तैयारी करके तुम्हें बना दूंगा लॉलीपॉप का हीरो, नहीं, वर्ल्ड कप का हीरो और ओलंपिक्स का भी हीरो। तुम्हें मैं सुपर हीरो बना दूंगा। ठीक कहा, मैं एक सुपर हीरो हूँ और मुझ में ताकत ज्यादा है, पर अब मुझे खुद को साबित करना होगा। मोती, अब क्या हो गया? कलीला की गाड़ी गड्ढे में फंस गई। उसे निकालने के लिए तुम दोनों की जरूरत है। वो तुम्हारा दूसरा भाई कहाँ गया? उसकी क्या जरूरत है, इस काम के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। अब चलो। अरे आओ मोती। क्या आओ? हुआ है कलीला? तुम्हारा शुक्रिया के तुम आ गए। कोई बात नहीं। पर तुम अकेले क्यों आए? ये काम सिर्फ तुमसे तो नहीं होने वाला। मैं अकेला ये काम कर सकता हूँ और मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। भाई क्यों जोर लगा रहे हो, ये काम तुम्हारा नहीं है। अरे वाह, खुशी की बात है कि तुम भी आ गए हो। अब हम एक दूसरे की मदद से इसे निकाल सकते हैं। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं अकेला ही निकाल सकता हूँ ये। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं इकलौता ही ताकतवर हूँ और तुम पीछे हटो और देखते रहो। क्यों नहीं निकल रहा ना? ताकत ही नहीं है तो जोर क्यों लगा रहे हो? अगर मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो ये गाड़ी हवा में चली जाएगी। अच्छा तो फिर से जोर लगा लो, जो जीतेगा वो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर होगा, ठीक है? हाँ मेरे जोर से तो तुम्हारे दांत गिर जाएंगे। हो, बड़ा जोर लगाया, जैसे कि तुम मुझे जीत सकते हो, मेरा जोर देखो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो भी ठीक है, इसको बोलिए मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करे और मैदान जंग में आकर मेरा सामना करे। हाँ ठीक है, तुम जैसे बहुत आए और बहुत गए, इस बात का फैसला कल ही होगा। मुझे हैरानी है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, तुम क्या कहती हो इस बारे में? मेरे ख्याल में छोटा भाई जीत जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में बड़ा भाई जीतेगा। इसकी वजह भी वही है, चालाक समनू।
मुझे खुशी है कि मेरे बुलाने पर तुम दोनों यहाँ आ गए। मैं जानता हूँ तुम दोनों के दरमियान कल एक बड़ा मुकाबला है और तुम्हें बुलाने की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी नायाब कहानी है और मुझे पता है कि तुम दोनों उसे पसंद करोगे। क्या कहानी? ये कौन सा वक्त है कहानी सुनाने का? एक दफा का जिक्र है, किसी जंगल में दो हिरन थे। वो भी आपस में भाई थे और ऐसे ही लड़ते थे। दिन रात लड़ाई झगड़े के अलावा उन्हें और कोई काम ही नहीं था। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और फिर एक दिन उनमें से एक के जहन में एक सवाल आया। एक सवाल, पहला मरहला। तैयार हो जाओ। तैयार हूँ। मत भूलो मेरे सामने कुछ नहीं हो तुम। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। कौन छुपा हुआ है वहाँ पर? प्यार से कह रहा हूँ बाहर आ जाओ। अरे अब तो मर गए। हाँ तुम? इसने मुझे बताया तुम कह रहे थे मेरे सिंह नाकिस हैं। कौन मैं? बल्कि इसने तो मुझे बताया कि तुम कह रहे थे मेरे सिंह नाकस। और तुमने इसे ये भी कहा था कि मेरी दुम बहुत बुरी है। हाँ, इसलिए क्योंकि इसने मुझे बताया था कि तुम कह रहे हो मेरे सिंह नाकस हैं। इसने तो मुझे ये भी कहा था कि मैं सारे जंगल की घास खा जाता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ता। ये तब कहा जब तुम इसे कह रहे थे कि मेरे सिंह नाकस हैं। इसने तो मुझे ये भी बताया था कि तू कह रहा था कि मैं सारा दिन सोया रहता हूँ। इस वक्त कहा जब तुमने इसे कहा था कि मेरे सिंह नाकस हैं। इसने तो मुझे ये भी कहा था कि तू कह रहा था मैं बहुत बड़ा नासमझ हूँ। नहीं छोड़ूंगा तुझे, मकार लूंगा। और वो जान गए कि किसी की बातों में आकर लड़ाई झगड़ा करना अच्छा नहीं। बस फिर क्या, वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। बहुत ही फजूल कहानी थी, सिवाय उस हिस्से के जब उसने कमजोर हिरन को मारा। हो बिल्कुल। ध्यान से उसे थका दो, फिर दाएं बाएं पंच मार के खत्म कर दो। तुम्हारा असल मकसद उसको थकाना है, फिर उस पर हमला करना और देखना तुम जीत जाओगे। मारो इसे, इसकी चटनी बना दो। अपनी पूरी ताकत लगाना, देखना कोई कसर बाकी ना रह जाए। मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी ताकत होगी तो दिखाओगे ना। मुंह बंद करो और मेरा मुकाबला करो। मेरी ताकत के आगे तो तुम कुछ भी नहीं। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ गरूर है। अच्छा तो फिर ये बात है तो दिखाओ मुझे असली ताकत। लो देख लो। क्या? अरे रुक क्यों गए? लड़ो इससे, मारो इसे। कहाँ पे है? क्या दिख नहीं रही? नहीं तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे सब मारो ना। अरे तुम्हारी ताकत कहाँ है? अरे मेरे पास ही तो है। लड़ने के बजाय तुम लोग आपस में बहस रहे हो। क्या, हम तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। हाँ तुम बातें कर रहे हो। हिम्मत है तो मेरे खिलाड़ी को मार के दिखाओ जरा। क्या कहा तुमने? ये तुम्हारी तरफ है। क्या कहा? नहीं तो क्या क्या करके बोर कर रहे हो? जल्दी से मारो एक दूसरे को। मारो 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 मारो। दफा हो जाओ यहाँ से। आंखें खोल कर चला करो और दफा हो जाओ यहाँ से। तूने मुझे मारना चाहा? भाई इसने मुझे धक्का दिया। अब तो तेरी खैर नहीं समझू। देखो मुझे मत मारना, जल्दी में एक दो हाथ लग गए हैं, वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या मतलब कुछ नहीं हुआ? सबने देखा कि तुमने मुझे धक्का दिया, अब तुम्हारी खैर नहीं है। देखो तुमने भी मुझे धक्का दिया और मुक्का भी मारा। भाई देखो तुम पे इल्जाम लगा रहा है। भाई मैं तो कहता हूँ इसे तारों की सैर कराते हैं। तारों की सैर करवाओगे? लेकिन वो तो दूर है। अपने नजदीक से देखो। अच्छा सबक मिला। बिल्कुल। मैं अपनी बदतमीजी पर माफी मांगता हूँ भाई। अरे कोई बात नहीं, हम दोनों भाई हैं और हमारा प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा। बहुत खूब भाई, आ जाओ गले लग जाओ। बिल्कुल।